जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कम दिनों में इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल कर दिया है। अभी भी देखेंगे तो इस स्टॉक का प्राइस आपको टॉप पर ही देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद बात अब इस स्टॉक में देखेंगे थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगी और प्राइस नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है, लेकिन उससे डरना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि लोयर टेक्सटाइल स्टील की तरह मजबूत स्टॉक है, जिसमें यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें भी बने रहने की जरूरत है। शुरुआत शुरू से करते हैं, हर एक पहलू को इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस कंपनी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 24.60 रुपए के आसपास क्लोजिंग दिया है, और एक दिन की बात करें तो एक दिन में तकरीबन 2.25% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। वही जो मैंने आपको बताया कि अभी इस स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो इसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी स्टॉक अभी कमजोर नहीं हुआ है। पिछले एक सप्ताह हम देखेंगे तो एक सप्ताह में भी स्टॉक में तकरीबन 6% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगा। ग्राफ पे आपको थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिलेगा। पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में देखेंगे एक मंथ का रिटर्न अभी भी इसका पॉजिटिव में है, यानी कि 1% से कम है, लेकिन अभी भी ग्रीन में। पिछले 6 मंथ की बात कर लें, 6 मंथ में स्टॉक ने 62% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल कर स्टॉक ने दिया है, और अभी भी 6 मंथ का रिटर्न इसका ग्रीन में बना हुआ है। मतलब जैसा आपने देखा कि 1 मंथ का और 6 मंथ का रिटर्न इसका ग्रीन में बना हुआ है, मतलब स्टॉक में अभी मजबूती है। थोड़ी बहुत करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखने को मिल रही है, उसको हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लोयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एकदम आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले काम की बात करते हैं। देखिए काम क्या करती है कंपनी, देखेंगे तो स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ में हेवी इक्विपमेंट्स बनाती है। हेवी इक्विपमेंट्स किस चीज के लिए बनाती है, तो जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर होते हैं, आयल और गैस के क्षेत्र में काम करने वाले जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसमें देखेंगे तो उस तरह की मशीनें एक कंपनी तैयार करती है, साथ में स्टील का तो निर्माण करती है। तो ये बेसिकली काम हो गया। स्टील सेक्टर भारत में काफी ग्रो करेगा, ये आप बात मानकर चलिए। स्टील सेक्टर का दबदबा हमेशा शुरू से ही रहा है। अब फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल में हम लोग बात करेंगे मार्केट कैप का। मार्केट कैप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 2437 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी एक इसको लार्ज कैप तो नहीं कहेंगे, मिड कैप श्रेणी की कंपनी कह सकते हैं। और शेयर प्राइस देखिए अभी 24 रुपये के आसपास है, यानी कि जितना होना चाहिए उतना नहीं, अभी एक मतलब सस्ता कहेंगे। हालांकि वैल्यूएशन प्राइस देखेंगे तो स्टॉक अभी महंगा है, क्योंकि पी महंगा है, यानी कि नए लोगों को अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओई देखेंगे, आरओई और आरओसी तो ये मतलब डबल डिजिट में है, कमाल की बात है। एक छोटी सी कंपनी में जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी इतना हाई है, इससे मतलब आपको एक बात का अंदाजा मिलता है कि कंपनी आपको आगे भी इस तरह का कमाई का मौका देते रहेगी। अब हम लोग सीधे चार्ट पर चलते हैं और इस कंपनी के चार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अभी मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया, और 1 साल चार्ट पर आप देखेंगे तो क्या मई के बाद से तो इस स्टॉक में शानदार रैली देखने को मिली। ये मई से यहाँ से देखेंगे, और ये स्टॉक के कंसोलिडेशन रेंज में था, जैसे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर और इसके बाद शानदार रैली देखने को मिली, स्टॉक सीधा 28 रुपये तक चला गया। अब सवाल है कि 28 रुपये से ऊपर कहाँ तक जा सकता है। हालांकि ये जो नीचे की तरफ प्राइस थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया, इसे डरना नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, जो लोग यहाँ पर बाई किए होंगे इसके ब्रेकआउट पर बाई किए होंगे वो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इस वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 24-22 रुपये तक आ सकता है, उसके बाद फिर प्राइस रिट्रेसमेंट मारकर ऊपर की तरफ जाएगा, तो उससे डरना नहीं। सवाल है कि भी प्राइस और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 साल का चार्ट ओपन करते हैं। और 5 साल के चार्ट पर आप जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि अभी इस कंपनी का कोई यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ नहीं है, यानी कि ये जो है अपने एकदम ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना संभावित है जो हो रहा है, और यहीं से क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मारकर फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो प्राइस आपको 30-35 रुपये तक ईजिली आपको जाते हुए दिख सकता है। हालांकि इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है, इसके नीचे आया तो फिर प्राइस मतलब 20 रुपये तक भी आते हुए आपको दिख सकता है, लेकिन उसकी चिंता थोड़ी कम है, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत रहे। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरीके से शानदार आ रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है प्राइस अभी ऊपर जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मार्च क्वार्टर की, यानी क्वार्टर फोर में सेल्स देखें तो क्वार्टर फोर में सेल्स बढ़कर कंपनी का 173 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि पिछले कई क्वार्टर में सबसे ज़्यादा हुआ है इस बार। हालांकि प्रॉफिट थोड़ा सा इस कंपनी को कम हुआ है, क्योंकि जब कंपनी कमाई बढ़े हैं तो कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं, जिस वजह से नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट अभी इस क्वार्टर में क्वार्टर फोर में कम हुआ है, सिर्फ 6 करोड़ 42 लाख के आसपास ही हुआ है। लेकिन ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, इसलिए मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि कंपनी आने वाले समय में भी ऊपर की तरफ ग्रो आपको करते हुए देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ लोअर टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से हमसे जरूर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाकी यदि ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या MS स्टॉक में फ्रीडमेंट अकाउंट ऑन करा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।